हमारे साथ जुड़े रहने के लिए स्मार्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप भी अपने फ़ोन से YouTube को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि हम अपने फ़ोन से YouTube को कैसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं? तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन में यहाँ पर YouTube एप्लीकेशन है, देख सकते हैं यहाँ पर, इसको मैं ओपन भी कर देता हूँ। देख सकते हैं कि हमारे फ़ोन में YouTube एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल है पहले से, ठीक है, फ़ोन के अंदर इंस्टॉल है। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर सर्च करके भी दिखा देता हूँ YouTube। जैसे मैं YouTube लिख रहा हूँ तो यहाँ पर YouTube एप्लीकेशन जो है वो मेरे फ़ोन के अंदर, ठीक है। अब मैं इसको अनइंस्टॉल करके दिखाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर से, ठीक है। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, YouTube जो एप्लीकेशन दिख रहा है उस पर लॉन्ग प्रेस कीजिए इस तरह से। जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन खुल करके आएगा, ऐप इन्फो, इस पर क्लिक कर देंगे। अगर ऐप इन्फो का ऑप्शन इस तरह से खुल करके नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सेटिंग को खोल लीजिए, फ़ोन के सेटिंग को। फ़ोन के सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऐप्स का, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद YouTube दिख जाएगा, YouTube पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट जो YouTube का सेटिंग है वो यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। या फिर मैं आपको जो तरीका बताया है YouTube पे लॉन्ग प्रेस करने का और यहाँ से ऐप इन्फो पे क्लिक करने का, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर भी आ सकते हैं, ठीक है। कैसे भी आपको सेटिंग के अंदर आ जाना है, YouTube के सेटिंग के अंदर, ठीक है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से डिसेबल का जो ये ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। डिसेबल ऐप पे क्लिक कर देंगे तो अब जो है हमारे फ़ोन से जो YouTube है वो अब यहाँ से गायब हो चुका है, हट चुका है, ठीक है, अनइंस्टॉल हो चुका है। अब वो कैसे अनइंस्टॉल हो चुका है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं कि YouTube जो है हमारे फ़ोन से अनइंस्टॉल हो चुका है, गायब हो चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सर्च करूँगा YouTube लिख करके, तो यहाँ पर YouTube जो है वो मेरे फ़ोन में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन से YouTube एप्लीकेशन को डिलीट कर सकते हो, गायब कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। और अगर वापस से अगर आपको YouTube को फिर से वापस से लाना है तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट प्ले स्टोर को ओपन कर सकते हैं। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है YouTube, लिख करके YouTube सर्च कीजिए। उसके बाद यहाँ पर इनेबल का ऑप्शन दिखेगा, इनेबल पर जैसे ही क्लिक कर देंगे तो फिर आपका जो YouTube है वो वापस से आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देख सकते हैं, यहाँ पर वापस से YouTube आ चुका है, ठीक है। तो इसी तरह से आप अपने फ़ोन के अंदर से YouTube को अनइंस्टॉल कर सकते हो और गायब कर सकते हो बहुत ही आसानी से।